और यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, फिर यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ फादर्स नेम कर देता हूँ, फादर्स नेम। आपके पास अगर और भी डेटा है, और भी डेटा है तो आप उसे भी यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। तो ये तो सिटी को भी मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा अपने आप, जैसे आप स्टूडेंट नेम डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स नेम दुर्गेश, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो सिटी की बात आएगी, तो सिटी यहाँ भी होगी तो देवरिया कर देते हैं फिलहाल। तो ये देवरिया कर दिया हमने। और यहाँ पर आएंगे तो नेक्स्ट आएगा आपका, तो यहाँ पर लिख देता हूँ युवराज, तो एक और नाम आ गया इसमें, तो ये आ गया। अब यहाँ पर इनके फादर का नाम है गौरव, ठीक है, सिटी देवरिया जाएगी। तो ये तीन जो है डेटा हमने एंटर करा दिया है इसमें। अब यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी केवल हो गई, ठीक है। अब हम स्टूडेंट के रोल नंबर और फिर उनके मार्क्स के लिए केवल बनाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट एम कर देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, या स्टूडेंट टी, स्टूडेंट टेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट के टेस्ट की टेबल हम बनाएंगे, एंटर करते हैं और यहाँ पर आएगा रोल नंबर, ठीक है। एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तो ये पहले रोल नंबर कर देते हैं हम। ये कर दिया हमने रोल नंबर, और रोल नंबर जो है कौन सा डेटा टाइप होगा कॉन्टेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फिर सब्जेक्ट के नाम आएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के नाम भी ले आने के पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी रखेंगे। ये लिख दिया हमने रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए इसीलिए, ओके। अब यहाँ पर आएंगे तो ये जो स्टूडेंट आई वाली टेबल थी, इसमें आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन आईडी ऑटो नंबर था, तो हमें यहाँ पर नंबर रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर रख लेते हैं, तो इसको हमें नंबर बनाना होगा, तो यहाँ से जाकर के इसको नंबर बना लेते हैं, ठीक है। अब पहले सब्जेक्ट का नाम, दो तीन सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, तो ये पहले सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कंप्यूटर, और दूसरे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा मैथ, ठीक है, ये हो गया मैथ। और फिर तीसरे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश कर लेते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट के नाम हमने ले लिए हैं, और इसको लेने के बाद फिर यहाँ से आकर के इसको नंबर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका टोटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली टोटल। टोटल लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करना है। जैसे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करेंगे, ये विंडो ओपन होगी एक्सप्रेशन बिल्डर वाली, यहाँ से आप लेते चलिए लाइक कंप्यूटर, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए कंप्यूटर, पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर प्लस प्लस लगाइए, फिर मैथ्स करिए एम ए टी एस, ये मैथ्स हो गया, फिर प्लस करिए, फिर यहाँ लगाइए इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ ई एन जी एल आई एस एच, ठीक है। तो तीनों ही सब्जेक्ट हो गए, बस यहाँ से प्लस करिए काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो टोटल देगा हमें, तो ये देखिए यहाँ पर तीन कीजिए और यहाँ पे एक कीजिए, अभी ये टोटल हमें कैलकुलेट करते रहेगा। जैसे हम यहाँ से रोल नंबर बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए रोल नंबर वन कर दिया हमने, ठीक है, या आर जीरो वन कर दिया, ठीक। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, वन था, कंप्यूटर में मार्क्स कितने थे, 55, 66 यहाँ पर थे, और यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमने दिया और यहाँ पे टोटल हो गया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन आईडी सेम है, ये बात ध्यान दीजिएगा, जो उस वाले टेबल में है, स्टूडेंट आई वाले टेबल में जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर करता हूँ R02 किया, यहाँ पर 66 कर देता हूँ, 76 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 88 कर देता हूँ, और यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ करते हैं R03, ठीक है,
और यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पर फिर 54, 87, फिर यहाँ पर आएंगे तो 99। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसको सेव कर लेता हूँ, रिलेशन सिप आएगा दोनों ही टेबल से तो यहाँ से दोनों ही टेबल लेकर के और रिलेशन सिप क्रिएट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाले जो टेबल है इसके रजिस्ट्रेशन आईडी को इसी के ठीक सामने ला कर रखेंगे, हो गया, ये आ जाएगी विंडो और यहाँ से तीनों पर टिक कर दीजिए और ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। ठीक है, सेव कर लीजिए और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे इसका फायदा, स्टूडेंट आई वाले टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी 1 वाले स्टूडेंट जिनका नाम राम है, जिनके फादर का नाम श्याम है, जिनका पता देवरिया है, इनका रोल नंबर ये है और इन्होंने कंप्यूटर पे ये मार्क्स दिए थे, यानी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम केवल रोल नंबर डालें, केवल रोल नंबर डालें टेबल में और स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे होगा ये? क्रिएट पे चलते हैं, जाएंगे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे, ये आगे फॉर्म विजार्ड पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आई दिख रहा है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाली टेबल दिख रही है, ये पूरा का पूरा हमें चाहिए। इसके बाद यहाँ जो स्टूडेंट टीम वाली टेबल है इसमें हमें रोल नंबर चाहिए, कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए, मैथ, इंग्लिश और टोटल चाहिए, इतनी चीजें चाहिए। यहाँ से जाइए और ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे सर्च करेंगे किसके बेस पे, ये डिसाइड कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, डेटा सीट न्यूमेरिक के लिए हमें मॉडिफाई डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने, आप चाहे तो ऊपर कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं ताकि आप सर्च कर सकें। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा, यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों को छोटा बड़ा कर लेना है, थोड़ा सा जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको सही कर लेना है। तो दिया हुआ है और क्वेरी कम लग रहा नहीं है तो टेबल ही हमें लेना होगा, तो दोनों टेबल हम ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, अब लेने के बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, सिटी चाहिए, तो ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, फिर रोल नंबर चाहिए, फिर कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, फिर यहाँ टोटल चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, एक सब्जेक्ट रह गया इंग्लिश, अब यहाँ पर टोटल लेके आते हैं, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर आएंगे तो क्राइटेरिया आएगी, तो क्राइटेरिया में यहाँ फॉर्म के बेस पे हमें सर्च करना है, तो ये फॉर्म हो गया, यहाँ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, अब कौन से फॉर्म के बेस पे सर्च करेंगे। ठीक है, फॉर्म करते हैं। ठीक है, और किसके बेस पे सर्च करेंगे वो भी देखना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी आपको लेना है, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई, और अब इसको सेव कर लेना है, यहाँ पे जाइए इसको सेव कर लीजिए। ये क्वेरी वन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी वन को एस क्यू के नाम से सेव कर देता हूँ, एस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्यू आप देख सकते हैं ये आया हुआ है। अब ये यहाँ पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा। वन रखते हैं तो क्या होगा, जैसे ही वन रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वन वाले जो स्टूडेंट है उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी डिटेल मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा इस क्वेरी को रन कराते हैं, लाइक ये तो ऑलरेडी रन है, इसको क्लोज करते हैं, देन इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि तीन वाले जिनका रजिस्ट्रेशन आईडी 3 है उसका डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे 3 का डिटेल आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे तो आप यहाँ ऑटो नंबर के बजाय नंबर या टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं और क्वेरी को अपने अनुसार थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे मैंने बनाया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।